नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। विधानसभा में कांग्रेस 99 के फेर से बाहर आ गई है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आज आए चुनाव परिणामों में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस ने बड़े अंतर से सीट जीती। इस जीत के बाद कांग्रेस ने दावा किया है कि जीत का यह सिलसिला लोकसभा चुनाव में भी जारी रहेगा। भाजपा ने पलटवार में देरी नहीं की और कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके कांग्रेस जीती है। भाजपा ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने सीटें जीती हैं, हमने लोगों का दिल जीता है। ये क्या थ्योरी है कि दिल किसी और को देते हैं मतदाता और वोट किसी और को? इसका जवाब अभी तक भाजपा की तरफ से नहीं आया है। भाजपा ने अपनी हार का ठीकरा अपने ही लोगों के द्वारा भीतरघात किए जाने पर, पार्टी से बगावत किए जाने पर भी फोड़ा है। बहरहाल, रामगढ़ के नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हुई थी और इस जीत को एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा था। क्या संकेत देकर गए हैं रामगढ़ के नतीजे, आज इसी पर प्राइम डिबेट में चर्चा होगी। पहले रिपोर्ट। रामगढ़ चुनाव में कांग्रेस का परचम। पहली परीक्षा में पास हुए सीएम अशोक गहलोत। बाय इलेक्शन एक मैसेज देता है, सरकार बनने के बाद में चुनाव होता है। मुझे बहुत खुशी है और मैं तमाम कार्यकर्ताओं को भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने खूब मेहनत करी। कांग्रेस की साफिया जुबैर को मिली जीत। हिंदुत्व की प्रयोगशाला में हारी बीजेपी। लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल में कांग्रेस ने मारी बाजी। अलवर जिले की रामगढ़ सीट के जीत का पूरा हाल बताएंगे, लेकिन पहले बता दें कि इस जीत ने राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस को 100 के आंकड़े तक पहुंचा दिया। राजस्थान की सत्ता पर काबिज कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 99 के आंकड़े पर अटक गई थी। पूरा कांग्रेस की कार्यकारिणी ने बहुत संगठित तरीके से चुनाव लड़ा, बल्कि पूरे प्रदेश की कांग्रेस ने बहुत बड़ा योगदान इस चुनाव में दिया। विधानसभा चुनाव के बाद हुए इस उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जोर लगाया था। रामगढ़ सीट की अहमियत इसलिए भी थी कि ये वो सीट है जहां से पिछले लगातार दो चुनाव में बीजेपी जीती, और रामगढ़ की सीट राजस्थान में हिंदुत्व की प्रयोगशाला मानी जाती है। रामगढ़ सीट से विधायक रहे ज्ञानदेव आहूजा अपने विवादास्पद बयान के लिए सुर्खियों में रहे। इस चुनाव में रामगढ़ सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला था, तो क्या इस हार के लिए उसे भी कारण माना जाएगा? वहीं जाट वोटरों का बीएसपी के पक्ष में मतदान भी बीजेपी की हार का बड़ा कारण हो सकता है। रामगढ़ सीट से बीजेपी की हार से लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। ये पहला चुनाव था, लोग इसको चुनौती मानते थे, लेकिन जनता ने विश्वास किया है। लोगों ने मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर वोट तोड़ने का काम किया है, बंटवारा करने का काम किया, लेकिन जो आम मतदाता है उसने कांग्रेस में, राहुल गांधी जी में, हमारी सरकार में विश्वास व्यक्त किया है। पार्टी ने जो काम किया, सरकार के गठन के बाद जो विकास कार्यों की छड़ी लगाई है, उसका एक विश्वास जनता ने दिखाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस की साफिया जुबैर बीजेपी के सुखवंत सिंह और बीएसपी के जगत सिंह के बीच यहां मुकाबला था। कांग्रेस की उम्मीदवार साफिया जुबैर को 83,311 वोट मिले, तो बीजेपी 71,083 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही। वहीं बीएसपी के जगत सिंह 24,156 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे। बहरहाल, रामगढ़ सीट ने दिसंबर में मिली जीत को और पुख्ता किया है और इससे कांग्रेस का जोश और बढ़ गया है। अलवर से News18 राजस्थान के लिए दिनेश शर्मा के साथ गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। और प्राइम डिबेट में आज हमारे साथ डॉक्टर अर्चना शर्मा हैं, कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और जितेंद्र शिमाली जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आप सभी का। अर्चना जी, आपकी टिप्पणी के साथ शुरुआत करता हूँ इस बहस की। अर्चना जी, देखिए जेपी जी, ये चुनाव हुआ और इस चुनाव से सीधा संकेत गया कि एक ऐसा चुनाव था जिसमें लोगों की सारी नजरें भी थी, क्योंकि वो एक ऐसा क्षेत्र था जिसे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान ये सुर्खियों में रहा, और सुर्खियों में इससे रहा क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार की घटनाएं घटी और पुलिस का जो रवैया रहा, तत्कालीन गृहमंत्री ने जिस तरह की बयानबाजी की, और एक संकेत जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि इसको एक प्रयोगशाला के रूप में सत्ताधारी पार्टी जो थी उस समय वो उपयोग में लेती रही थी, और पोलराइजेशन को करके और अपनी सियासत भी की, और उनके जो पहले विधायक रहे उनके बयान भी कुछ ऐसे विचलित करने वाले होते थे। तो मुझे लगता है कि वहाँ की जनता ने सीधा संकेत दिया है कि हम भाईचारे की राजनीति होगी,
यहाँ सद्भाव बना रहेगा, सहिष्णुता की राजनीति होगी, कानून व्यवस्था कायम रहे, ऐसी नीति को आजमाने वाली जो पार्टी है उसके पक्ष में मतदान किया गया है। और दूसरा संकेत ये भी है कि जो 38 दिन का हिसाब हमसे मांग रहे थे सड़कों पर उतर करके और जो जेल भरेंगे और इस तरह के दावे कर रहे थे, उनको भी सीधा संदेश है कि सरकार जो जिसका गठन हुआ है वो सकारात्मक तौर पर जनता के हित में काम कर रही है, अपनी घोषणाओं को पूरा करने के लिए कृतसंकल्पित है और तत्परता के साथ सभी चीजों को संज्ञान में लेकर समाधान के लिए काम कर रही है। तो ये संकेत शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए है, जिसने अभी जैसी सत्ता से बाहर हुई उसके बाद जिस प्रकार की राजनीति शुरू की है, जिस प्रकार के कटाक्ष और जिस तरह की नीति अपनाई है, उसमें जनता का साथ कांग्रेस के साथ फिर आना भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से आईना भी दिखा रहा है और एक संदेश भी दे रहा है कि लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस के पक्ष में होंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस ने इस सत्ता में आने के बाद में जिस प्रकार का ये चुनाव जीता है उससे लग गया है कि कांग्रेस के कितना किस प्रकार की स्थिति रहने वाली है। पूरा मंत्रिमंडल सब प्रकार के साधनों को लेकर के रामगढ़ के चुनाव को लड़ रहे थे, यहाँ तक कि राजस्थान के अंदर 70-80 लोग मर गए स्वाइन फ्लू से, पर पूरा कैबिनेट आपके चिकित्सा मंत्री महोदय पूरे समय तक रामगढ़ बचे रहे और एक एक वोटर को जिस प्रकार से डराने धमकाने की जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस ने रामगढ़ में की है इसको पूरे राजस्थान की जनता देख रही है। आप कांग्रेस का घमंड देखिए, केवल 45 दिन की सरकार हुई है, 45 दिन की सरकार के अंदर आज मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि आप हमारा विरोध करोगे तो हम जेलों में डाल देंगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। दुर्भाग्य है, आज एक तरफ राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम विरोध करने वालों को हम खत्म नहीं करना चाहते और एक तरफ इस प्रकार से ये जो जिस प्रकार से दोहरा रवैया जिस प्रकार से राजस्थान की राजनीति में चल रहा है वो राजस्थान की जनता 2019 के चुनाव में इस बात के लिए तैयार बैठी हुई है। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि जहां तक रामगढ़ का विषय है, अब हमने देखा दो बार हमारे वहां सांसद रहे, दो बार ज्ञानदेव औजार विधायक रहे, उसके बाद के अंदर यहां पर जिस प्रकार से भाईचारे का माहौल बना था, परंतु इस चुनाव के अंदर जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण किया गया, वोटों का ध्रुवीकरण किया गया, जाट गुजर वोटों को लुभाने के लिए, माली वोटों को लुभाने के लिए जिस प्रकार से पूरा मंत्रिमंडल लग गया और जातिवाद का जहर जिस प्रकार से राजस्थान की राजनीति में घोला गया, राजस्थान की जनता ने इसको देख रही है। श्रीमाली साहब, आपने दो बातें कही। पहली बात तो यह कि कांग्रेस के मंत्री बेपरवाह हैं, वो स्वाइन फ्लू की चिंता छोड़कर अलवर में पड़े हुए हैं। दूसरी बात, कांग्रेस बहुत अहंकार में आ गई है और 2019 के चुनाव में जनता इनको बख्शेगी नहीं, तो 2019 के कौन से चुनाव में नहीं बख्शेगी? ये चुनाव फरवरी का जो था वो तो जनवरी का था, एक मिनट, वो तो आप लूज कर गए। ये चीजें जनता को दिखती होंगी, ये जवाब तो इन्हीं चुनाव में मिल जाना चाहिए था। रामगढ़ के चुनाव में लोगों को बता देना चाहिए था कि आप तो अहंकारी हो गए, आप तो बेपरवाह हो गए। इस प्रकार से ध्रुवीकरण किया गया और मैं बताऊं एक बात और, ये चुनाव तो कांग्रेस के लिए जीवन मरण के प्रश्न के रूप में लिया है, क्योंकि ये तो अभी तक जो बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है उसको पार नहीं कर पाए। केवल 5% वोटों का फर्क है बीजेपी और कांग्रेस के वोटों में। हाँ। इसलिए इनको ये जिस प्रकार का अहंकार मुख्यमंत्री महोदय के अंदर आया है उस प्रकार के अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है। केवल 0.5% वोटों का फर्क है। राजस्थान के अंदर वसुंधरा जी ने लोगों का दिल जीता है अपने काम का और मोदी जी जीतने के आधार पर। आज मैं कहना चाहूँ की अगर ये कह रहे हैं कि साहब ये वोटों का ये लोकसभा के चुनाव का निर्धारण होगा, तो मैं कह रहा हूँ की सुरजेवाला जी की क्या हालत हुई है। आप तो राजस्थान की बात कर लो ना, राहुल गांधी जी के सेकंड हैं, अपने घर को देखो बाहर का जा रहे हैं, वाची माने जाते हैं इस देश की राजनीति के अंदर। उनको तीसरे नंबर पे पटका है। देखिए जेपी जी, इसलिए इनके जो पुत्र हैं, चुनावों के आधार पे नहीं देखा जा सकता है। ये छोटे चुनाव अलग, ये उपचुनाव नहीं है भाई साहब, ये उपचुनाव नहीं है। तीसरे नंबर पे पटका है। आप सुरजेवाला जी पे क्यों जा रहे हो? आप रामगढ़ में आ जाओ, सुरजेवाला जी को भी लाएंगे। लेकिन ये तो बताइए श्रीमाली साहब, इतनी बुराइयां ही बुराइयां कांग्रेस में है, तो कांग्रेस को तो खारिज कर देना चाहिए था मतदाता को, इन्हीं चुनाव में कर देना चाहिए था कि वो तो गलती हो गई एक महीने पहले तो, लेकिन आप भूल सुधार ली हमने। जनता राजस्थान का बेरोजगार, बेरोजगारों के साथ इन्होंने वादा किया कि 3.5 हम सत्ता में आते ही ऐसे उंगलियां गिना गिना के 10 दिन गिनाए थे कि हम दो वादे करते हैं, नहीं नहीं कर्जा माफ करने का और 3,500 रुपए महंगाई बता वो करोगे तो सही बात, दोनों वादों से आप वो भी कर दिया इन्होंने आज, वो भी कह दिया कि 1 मार्च से कर देंगे, राजस्थान में 1 मार्च की घोषणा कर दी आज कि जो ये कहते थे मेरा कर्जा माफ हुआ है, श्रीमाली वही कर्जा माफ नहीं हुआ, इन्होंने कमेटियां बैठा दी और जनता को किसानों को साथ में दोनों व्यवहार किया है। ठीक है, अब आप क्या ये नहीं मानते, आपने खुद ने भी कहा कि कांग्रेस पूरा राशन पानी लेकर रामगढ़ में डेरे डाल दिया, कांग्रेस ने जीत को जीवन मरण का प्रश्न बना लिया। तो होना तो ये आपके साथ चाहिए था, विपक्ष में आप है, सीटों की संख्या आपको होनी चाहिए थी, आपके यहाँ जो दिग्गज चेहरे थे वो दिखे ही नहीं वहां। इस बात को नहीं मानेंगे क्या? इन्होंने पूरा पसीना बहाया इसलिए जीते, आपने नहीं बहाया इसलिए हार गए।
पूरे राजस्थान का हमारे जो अलवर की पूरी इकाई और प्रदेश की पूरी जो कार्यकारिणी थी पदाधिकारियों की, उन्होंने पूरी मेहनत से चुनाव लड़ा, परंतु जिस प्रकार से जाति का ध्रुवीकरण किया गया और जिस प्रकार से पूरे सत्ता का प्रयोग किया गया, धनबल और भुजबल का, जिस प्रकार से राज्य सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगाई और सरकारी मशीनरी का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया गया, वहां के जो निर्वाचन कर्मचारी थे उनको डरा धमका करके, उन्होंने अपने जिस प्रकार से डरा धमका करके वोटों को डलवाया है, वो राजस्थान की जनता ने देखा, अलवर की जनता देखी है, इस बात को देख रहे हो, इसका जवाब चुनाव में मिलेगा। अर्चना जी, आपने अभी कहा कि उसको हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने की इन्होंने कोशिश की जिसमें फेल हो गए। साफिया खान का जो चुनाव कैंपेन के दौरान, जब पहले चुनाव स्थगित नहीं हुए थे, तब बयान आया था, आपने भी सुना होगा, उसको खारिज नहीं किया जा सकता, तमाम सोशल मीडिया पे है, तमाम टीवी चैनल्स के पास में, जिन्होंने सिर फोड़ देने तक की बात उन्होंने कही थी, कुछ भी हो जाए जीतना है, तो एक ही तरह के दो पलड़ों में नहीं बैठ जाते हैं क्या ज्ञानदेव आहूजा और साफिया खान जब वो ये बयान देती हैं तब? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये तो अतिवादी थे, ये तो कट्टरपंथी थे, इनकी कट्टरपंथी सोच को खारिज कर दिया गया है, ये दूसरे पलड़े में भी उतना ही कट्टरपंथ दिखाई दिया। देखिए जेपी जी, यहाँ कट्टरपंथ की या एक्सट्रीमिटी की बात नहीं है, बात यह है कि ज्ञानदेव आहूजा को तो इन्होंने खुद ने नकार दिया। और नकार इसलिए दिया क्योंकि इनको एहसास था कि वो राजनीति अब सेल बाय डेट हो गया उसका, तो अब वो एक्सपायरी डेट आ चुकी इनके जो हथकंडे थे, तो इसलिए इन्होंने सारे प्रपंच को रचा। लेकिन वहां की जनता अराजकता से मुक्ति चाहती थी, उस अराजकता से जहां हिंदुत्व के नाम पर जनता का शोषण हो रहा था, जहां जनता को न्याय नहीं मिल रहा था, ये प्रदेश की जनता का जो एक कह सकते मन की बात थी, उसकी अभिव्यक्ति रामगढ़ के माध्यम से, ये समझना पड़ेगा इनको। ये बार बार ये कह रहे हैं सत्ता प्रतिष्ठान का इस्तेमाल करके, भाई आपने एक बार भी नहीं कहा, बयान दिया, एक मिनट सुनिए श्रीमाली जी, आप बोल रहे थे मैंने बीच में नहीं बोला, आप सुनिए, आपने एक बार भी चुनाव के दौरान एक बार भी नहीं कहा कि वहां पर सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है या प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है। आज चुनाव हार गए तो ये बातें आपको याद आ रही है, स्वाइन फ्लू की बात करते हो आप, तो एक बार अपने को भी देख लेना चाहिए। आपके राज में 472 लोग मरे थे 2015 में, और आपके वो भ्रष्ट चिकित्सा मंत्री जो है कोटा में जाकर के कह रहे थे कि एक भी व्यक्ति स्वाइन फ्लू से नहीं मरा, और आपके लोगों ने उनको खदेड़ के भगा दिया, आपके निर्वाचित विधायकों ने, और मर रहे हैं तो हम उसको संज्ञान में ले रहे हैं, व्यवस्थाओं को सुधार रहे हैं, आप लोग सत्ता से अव्यवस्थाओं के कारण हुए हो, भ्रष्टाचार की मिसाल कायम की आपके चिकित्सा विभाग ने और आपके मंत्री ने, 472 लोग मारे गए, रिकॉर्ड बना राजस्थान में आपके शासन काल में, क्योंकि प्रतिस्पर्धा है क्या, राजस्थान को एक नंबर भी है, तो स्वाइन फ्लू का भी इलाज हो रहा है चुनाव चुनाव की जगह, ये किस प्रकार ऐसे डिबेट नहीं होगी, चिल्ला रहे ना इनके बातों में डर के, ना इनको कोई बात कहने का तरीका है। श्याम सुंदर शर्मा जी, मेरा सवाल आपके लिए है, ये जो सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की बातें हैं, ये तो आम बातें हैं सर, ये तो उन एक्सक्यूज में है, ये उन एक्सक्यूज में है जो चुनाव जीतने हारने पर दिए ही जाते हैं। धौलपुर में जब उपचुनाव कांग्रेस हारी थी तो उसने भी कहा था सत्ता का दुरुपयोग किया, चुनाव आयोग में भी गए, कुछ हुआ नहीं, तो कोई भी पार्टी जब हारती है तो वो ये पहला आरोप तो लगाती है। श्याम सुंदर शर्मा, मुझे समझाइए कि रामगढ़ आप अपनी बात भी कहिएगा, मेरा सवाल आपसे ये है कि रामगढ़ में ज्ञानदेव आहूजा के जो बोल हैं वो अभी नहीं गूंजे, वो लगातार 5 साल तक बार बार चर्चा में आते रहे अलग अलग कारणों से, साफिया खान ने भी वही किया, और उसी तर्ज पर जगत सिंह चलते हैं, वो भी इस तरह की बात कहते हैं कि उनको मीडिया की सुर्खियां मिलें, सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो वायरल हो और उनकी धमक हनक स्थापित हो और लोग उनके पीछे खड़े हो जाएं, ये हमने देखा इन चुनाव के कैंपेन में, लेकिन लोगों ने इन सब चीज़ों को खारिज कर दिया। देखिए जेपी शर्मा जी, ये बात सही है कि कोई भी पार्टी जब सत्ता में होती है तो उसका सदुपयोग करती है, अब ये उसको दुरुपयोग कहें उसकी बात अलग, ये थे जब ये भी करते थे कांग्रेस ने किया, तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने उस क्षेत्र में जाकर के बहुत सारी चीज़ कही, उसका प्रभाव भी पड़ा, सीधे तौर पर हिंदुत्व की जो प्रयोगशाला थी वहाँ फेल हुई। इनके आप देखिए ज्ञानदेव आहूजा ने किस प्रकार के बयान दिए थे और किस प्रकार से यहाँ पर पीलू खां, आपको याद हो कि यहाँ पीलू खां वाला कांड हुआ, फिर बाद में हुआ वहाँ लिंचिंग हुआ, सारी बातें हुई। ये भी बात सही है कि नसरू खां जी को इन्होंने राजी कर लिया कांग्रेस ने किसी प्रकार से, और उनको कुछ नवाजने की बात हो रही है, लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस को आज संजीवनी बूटी मिल गई रामगढ़ का चुनाव जीतने से, पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन गई, क्योंकि गठबंधन से सरकार बहुमत में थी, आज ये कांग्रेस के आधार पर पूर्ण बहुमत वाली सरकार आज है। और अब लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी खुद भी कह रहे थे कि मिशन 25 का जो हमारा जो हमने तय किया है उसको हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, उसको पाएंगे, और कांग्रेस जो जिस प्रकार से 2 उपचुनाव जीती थी लोकसभा के, और आज हम स्थिति में आ गए हैं कि कांग्रेस बीजेपी, क्योंकि बीजेपी जो कह रही है इनकी पूर्व मुख्यमंत्री एक बार भी रामगढ़ नहीं गई,
गुटबाजी के शिकार तो इनके यहाँ थे, गुटबाजी रही, इसी का परिणाम उनको देखने को मिला। इन्हीं के जो जगत सिंह है कामा से विधायक, इन्हीं के थे और इन्हीं के बाकायदा बीएसपी का टिकट खरीद करके जाट वोट ले गए, जाटों का वोट इनको नहीं मिल पाया और 12,000 से कांग्रेस जीत गई। जीतने वाला हमेशा सिकंदर होता है। अब जीत का श्रेय दोनों को जा रहा है, अशोक गहलोत, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही गए थे एक साथ मीटिंग करने, क्योंकि पीछे नहीं रहना चाहते पायलट। तो आज ये स्थिति है, दोनों कह रहे हैं कि हमारे कार्य देख लीजिएगा, 42 दिन के काम है और हमने जो कहा वो करना है। अब ये कह रहे हैं कि कर्जा माफ नहीं किया, कर्जा तो आपने भी बिना बजट के माफ किया था और उसका परिणाम 6,000। अब देखिए 6,000, अरे सुनिए सही, आज सुनिए सही, अरे जितेंद्र सुन तो लीजिए, जनता जितेंद्र सुन तो लीजिए, अरे आप सुनिए सही, आप सुनिए, आप सुनिए, अरे आप सुनिए सही, आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप देखिए, आप मेरी बात सुनिए, नहीं सुनिए, देखिएगा, अरे आप सुनिए, अभी ये बताइए, अभी ये बताइए, एक मिनट शाम को अपनी बात पूरी करिए, एक मिनट शाम जी अपनी बात पूरी करिए, संक्षेप में अपनी बात पूरी करिए, शाम जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए क्या मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पुरानी वाली सरकार 6,000 करोड़ बकाया छोड़ के गई थी, उसकी भरपाई ये सरकार करेगी। 18,000 करोड़ का कर्जा माफ किया है तो 18,000 का कर्जा भरपाई करने में टाइम लगेगा। अब किसानों को कर्जा देना नहीं पड़ेगा ना, ये तो तय हो गया ना। 18,000 करोड़ का कर्जा नहीं है, मैं कर्ज माफी को आगे होते रहेगी। अब मुझे समझाइए, एक मिनट श्रीमाली जी एक मिनट अर्चना जी सुनिए। उस समय तो क्या देते कांग्रेस इसको अगर शकुन मान रही है लोकसभा चुनाव के लिए, मानती रहे वो अलग बात है जितेंद्र श्रीमाली साहब, लेकिन दो बड़े वादे थे जिनको लेकर के आप अभी कह रहे हैं। कर्ज माफी का हो सकता है कि विवादित हो, उस पर बहुत बहस हो चुकी है, होती रहेगी। दूसरा जो आपने अभी कहा, मुख्यमंत्री ने आज ट्रंप कार्ड दूसरा डाल दिया है कि 1 मार्च से कन्याओं को तो 3,500 रुपये और लड़कों को 3,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा बेरोजगारों को। तो आपके हाथ से तो ये दांव भी गया लोकसभा चुनाव से पहले। ये तो 2-3 दिन के अंदर कागज के ऊपर तो निकाल के पहले दिन दे दिया था इन्होंने कि किसानों का कर्जा माफ कर दे, ये क्यों पब्लिसिटी और अखबारबाजी है? और नहीं करे तो कहीं करते नहीं है। धरातल के ऊपर अरे आपके गाल बजाने से जनता विचलित नहीं हो रही है? थोड़ा तो लिहाज करो, आप कांग्रेस के प्रवक्ता पे बात कर रहे हो, आप कांग्रेस के प्रवक्ता पे बात कर रहे हो, आप मुझे बताओ चाहते क्या हो? आप मुझे ये तो किसानों के साथ भी इन्होंने अखबार में निकाल दिया था कि कर्जा माफ, अरे आप किसान आकर के आप उसको लेकर के यहाँ ईवीएम को लेकर आए, सब ईवीएम में गड़बड़ है और गड़बड़ नहीं है, ये तो झूठ और प्रपंच की राजनीति कांग्रेस हार गए, खुद हार गए, इसकी समीक्षा करो। और अगर मुख्यमंत्री इतनी फेमस थी, इतनी प्रसिद्ध थी, इतनी लोकप्रिय थी, इतनी स्वीकार्यता थी, तो उनको राजस्थान से बाहर क्यों भेज दिया? अब मैं कह रहा हूँ कि आपने अब बात लोकसभा चुनाव क्यों चल रही है, और श्याम सुंदर शर्मा मेरा सवाल ये है कि ये जो सिस्टम है स्वीकार्यता तो भेज क्यों दिया? कर्ज माफी की, सीधे निकाल के किसान को लाभान्वित किया, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, सरकारी पैसे कोष से पैसा निकलेगा और बेरोजगारों की जेब में चला जाएगा, उससे हो सकता है वोट मिल जाए। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने क्या ये चुनौती नहीं है कि प्रदेश के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अपना विजन इस तरह से प्रस्तुत करे और साबित करे लोगों के बीच में कि यह सरकार पूरे स्टेट को आगे लेकर जाना चाहती है, केवल वोटों के लिए, बेरोजगारों को और किसानों को खुश करने में नहीं लगी हुई है? क्या यह चुनौती नहीं है श्याम सुंदर शर्मा? जेपी शर्मा जी, चुनौती है यही कारण है कि आप कांग्रेस अपना फुल बजट नहीं ला रही है, नहीं तो चुनाव से पहले बजट लाती वो 11 और 12 को वोटों का काउंट ला करके पारित कराना चाहते हैं। ये बजट ला सकते, केंद्र बजट अंतरिम बजट दे रहा है, हम भी बजट दे सकते थे, बता सकते थे कि हमारी ये स्थिति है, ये सब कर सकते हैं, क्योंकि बजट में आपको सब दिखाना पड़ता है कि आपके पास क्या है, कैसे करेंगे, क्या कुछ करेंगे, विजन प्रस्तुत करना पड़ता है। तो लोकसभा चुनाव से पहले ये नहीं चाहते कि बजट आ जाए, आप बजट बाद में देंगे, और यही कारण है कि आपकी जो श्वेत पत्र नहीं दे पाते हैं, वो श्वेत पत्र आज ला सकते हैं। जी आप वैसे बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत आपको ज्ञान भी है, लेकिन मेरा ये मानना है
ये शुचिता की बात होगी यदि वोट ऑन अकाउंट लाते हैं। यदि हम बजट लाएंगे तो आप कहेंगे लोक लुभावनी घोषणा कर दी लोकसभा चुनाव से पहले, तो मॉरली आपकी तरह नहीं है। आप जाते जाते भी आपको तो लाना चाहिए फुल बजट, तो बताना चाहिए क्या, क्योंकि आपको वो बताना पड़ेगा। लेकिन एक मिनट ये सवाल तो बना रहेगा, अगर आप बजट लेकर आते हैं तो निश्चित तौर पर ये सवाल तो बना रहता है कि देखिए आपके पास है कितना और आप घोषणाएं क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या लोग लगा पड़ता है। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।